एंग्जाइटी होती है कि मैं अगर डेटा अपने दूसरे को दिखाऊं तो सच्चाई सबको समझ में आ जाएगी। और बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे हैं दुनिया में, इंडिया में, जो बहुत सारा बिजनेसेस जो करते हैं वो फुली ट्रांसपेरेंट नहीं होता। ये कोई अच्छी चीज नहीं है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा बैरियर है। बहुत सारे बिजनेसेस को ये जब भी पता चलता है कि जब भी आप डिजिटल जाते हो तो अभी आप ट्रांसपेरेंट बनते हो, राइट? आपकी सच्चाई दुनिया के सामने आ जाती है। तो वो बैरियर क्रॉस करना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे ख्याल से जब भी सच्चाई बाहर आ जाएगी तभी बहुत सारी ट्रांसपेरेंसी बिजनेस के लिए अल्टीमेटली बहुत बेनिफिशियल है। तो ये एक बैरियर है। दूसरा बैरियर ये होता है डेटा। हमारे एक्सपीरियंस में यही आया है, गए 20 साल से मैं कंसल्टिंग और इम्प्लीमेंटेशन कर रहा हूँ, और अभी बाथवानी एडवांटेज के जरिए मैं जब भी एसएमईज को देखता हूँ तो डेटा इज अ बिग चैलेंज, बिकॉज जो डेटा अभी एसएमईज में हो है वो फ्रैक्चर्ड है, इनकंसिस्टेंट है, इनकम्प्लीट है, इनएडिक्वेट है, बहुत सारे एरर्स ऑफ कमीशन है, एरर्स ऑफ ओमिशन है। तो जो अभी डेटा आप देखते हो जो सिस्टम के जरिए आपको दिखाई देता है, वो जीएसटी एनेबल्ड जो एमएसएमईज है, करीब करीब 63.3 मिलियन से में से 12 या 13 मिलियन बिजनेसेस ऐसे है कि वो जीएसटी फाइल करते कंप्लाइंट है, उनका डेटा अवेलेबल है। अगर बाकी को देखा जाए तो बहुत सारा डेटा इनकंसिस्टेंट है, वी आर डेटा पुअर। वो सेकंड बैरियर होता है, क्योंकि जब भी आप डिजिटल एडॉप्शन करते हो तो अगर डेटा अच्छा नहीं है तो उसका आउटपुट भी अच्छा नहीं होगा। गार्बेज इन गार्बेज गार्बेज आउट, एज यू मस्ट हैव हर्ड दिस टर्म बिफोर, कि जब अगर डेटा मुश्किल मुश्किल से ठीक बनाया जाए तो ही आपका आउटपुट, तो ही आपका डिसीजन मेकिंग अच्छा बनेगा, तो ही आपका इंटरप्रिटेशन अच्छा बनेगा, तो ही आपके एक्शंस बिल्कुल कॉन्टेक्चुअल और सही होंगे। अगर डेटा गलत है तो आपके इंटरप्रिटेशन गलत है, इंटरप्रिटेशन गलत है तो एक्शंस गलत है, डिसीजंस गलत है। तो मेरे ख्याल से डेटा ये सेकेंड बैरियर बनता है। और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो बैरियर है वो ये है कि नॉलेज डेफिसिट है बहुत सारे लोगों में, बहुत सारे एमएसएमएस में, सेकंड लाइन थर्ड लाइन उनको डेटा मैनेजमेंट और डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा एनालिटिक्स ये सब करने में नॉलेज है, वो नॉलेज उनके पास अभी भी नहीं है। तो जब भी नॉलेज नहीं होता है तभी पीपल आर अफ्रेड ऑफ थिंग्स, राइट? सो इधर यू नो थिंग्स और यू फियर थिंग्स। वंस यू नो थिंग्स, यू डोंट फियर थिंग्स। एंड एसएमएस में वो थर्ड बैरियर बहुत सारा हम लोग महसूस कर रहे हैं, हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं।